नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुनील साबड़े है। मैं बाल रोग तज्ञ हूँ। मैंने हेल्दी चैनल नाम का यूट्यूब चैनल शुरू किया है। ये चैनल के माध्यम से मैं छोटे बच्चों के हेल्थ के बारे में आपसे चर्चाएं करने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश का भविष्य हमारे बच्चों में है। यदि हमारे बच्चे सुस्त रहे, हेल्दी रहे, तो हमारा देश का फ्यूचर है वो उज्ज्वल है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी कैसे बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे बनाएं, इसके लिए ये चैनल मैंने शुरू किया है। आज मैं आपसे बच्चों के आहार यानी डाइट के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी कुपोषित यानी माल नरिश चिल्ड्रन हैं, उनमें से 1/3 हमारे इंडिया में है। 5 साल के अंदर जितने बच्चे हैं, उनमें से 45% बच्चे अंडर वेट या कम वजन के हैं, और 70% बच्चों को एनीमिया यानी खून की कमी है। दोस्तों, ये जो कुपोषित या कम वजन के बच्चे रहते हैं, वो बार बार बीमार पड़ते हैं, पढ़ाई में कमजोर रहते हैं, मतिमंद हो सकते हैं, और ये बच्चे सीरियस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बच्चों की जो शारीरिक और जो ब्रेन की मैक्सिमम जो ग्रोथ रहती है, वो पहले 5 साल में होती है। यदि ये एज में बच्चों को अच्छे से हम खाना दें, उनके डाइट का अच्छे से ख्याल रखें, तो उनका शरीर तो बढ़ता ही है, लेकिन दिमाग भी तेज होता है। वैसे बच्चे हेल्दी होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं और बीमार नहीं पड़ते। लेकिन यदि हम उनका आहार अच्छे से ना रखें, उनको अच्छे से खाना ना दें, तो ऐसे बच्चे कुपोषित होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और कुपोषित बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और पढ़ाई में कच्चे हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी हो, इंटेलिजेंट हो, बीमार ना पड़े, तो ये लेक्चर आप जरूर सुनिए। पहले मैं जन्म से लेके 6 महीने तक बच्चों को क्या आहार देना है, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जन्म से लेके 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। बच्चों के शारीरिक और मानसिक ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, वो माँ के दूध में एडिक्वेट मात्रा में रहती है। माँ के दूध में पानी भी एडिक्वेट मात्रा में रहता है, इसलिए बच्चों को ऊपर का भी पानी नहीं देना चाहिए। माँ के दूध में रोग प्रतिकारक शक्ति ज़्यादा रहती है, इसलिए जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, ऐसे बच्चों का वजन बढ़ता है, दिमाग की वाट तेजी से होती है, ऐसे बच्चे बीमार नहीं होते। और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों में जो एलर्जी है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हार्ट के जो प्रॉब्लम है, कैंसर है, वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चों को आधे घंटे के अंदर माँ का दूध देना बहुत ही जरूरी है। पहले 2 से 3 दिन तक गाढ़ा दूध आता है, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये बच्चों के लिए अमृत जैसा है। कोलोस्ट्रम कम मात्रा में रहता है, लेकिन बच्चे के लिए वो एडिक्वेट रहता है, और उसमें रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए बच्चों को ये कोलोस्ट्रम देना बहुत ही जरूरी है। कुछ घरों में डिलीवरी के बाद बच्चों को शहद दिया जाता है या शक्कर का पानी दिया जाता है, तो ये बच्चों के लिए बहुत धोखादायक है। इससे बच्चों को जंतु संसर्ग हो सकते हैं, दस्त हो सकते हैं, बच्चा सीरियस हो सकता है, इसलिए बच्चों को सिर्फ माँ का ही दूध पीना चाहिए। बच्चों को अभी कितनी बार पिलाना चाहिए, तो हर बच्चों का पीने की क्षमता, पीने का टाइमिंग अलग अलग रहता है। तो बच्चा जब जब रोए, तब उसको दूध पिलाना चाहिए, उसको ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड बोलते हैं। तो कुछ बच्चे हैं दिन में 8 बार पीते हैं, तो कुछ बच्चे 12 बार पीते हैं, और एक बार 10 से 20 मिनट तक बच्चा दूध पीता है। अभी कुछ माताएं हमको हमेशा बोलती हैं कि हमारे बच्चों को दूध मिल नहीं रहा है। तो बच्चों को दूध अच्छे से मिल रहा है कि नहीं, कैसे पता चले? तो यदि बच्चा 24 घंटे में 6 बार सफेद कलर की पेशाब कर रहा है, उसका वजन अच्छे से बढ़ रहा है, पीने के बाद वो सो रहा है, तो समझने का कि बच्चों को अच्छे से दूध मिल रहा है। स्तनपान से यानी ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों को तो फायदा ही होता है, लेकिन जो माएँ अपने बच्चों को स्तनपान देती है, ऐसी माताओं में जो ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो यूट्रस है, वो नॉर्मल स्थिति में आने में मदद हो जाती है, और माँ का वजन भी कम हो जाता है, इसलिए माँ को भी बहुत फायदे हैं। अभी 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे के लिए सफिशियंट रहता है, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चों को माँ के दूध के साथ ऊपर का भी आहार शुरू करना बहुत जरूरी है। यदि बच्चों को ऊपर का आहार, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड बोलते हैं, यदि देर से शुरू किया जाए, तो बच्चा कुपोषित हो सकता है। अभी बच्चों को क्या क्या देना चाहिए? तो दोस्तों, पहले बच्चों को पतली चीज़ें देना चाहिए, जैसे दाल का पानी है, राइस का वाटर है, हरी सब्जी का सूप है, फलों का जूस है, तो ऐसी वाटरी चीज़ें देनी चाहिए। और यदि वो अच्छे से पचाने लगे, तो थोड़ा गाढ़ी चीज़ें, जिसको हम पॉरीज या पेज बोलते हैं, वो देना चाहिए, जैसे राइस की पेज है, नाचनी की पेज है, रवे की पेज है, ऐसा देना चाहिए। गेहूँ, नाचनी, मूंग दाल और राइस, ये इक्वल क्वांटिटी में लेके उसको रोस्ट करके या भून के और उसकी पाउडर बनाई जाए, और फिर उसका
हम उसको पॉरिज बना के दें तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। पपाया, मैंगोज, एप्पल, चीकू, मैश बटाटा, मैश रतालू दिया तो बच्चे के लिए विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट मिल सकते हैं। ये चीज़ें बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट करने लगे तो बच्चे को पतला दाल चावल, पतला खिचड़ी देना चाहिए। तो दोस्तों पहले पानी की चीज़ें शुरू करके धीरे धीरे गाढ़ी चीज़ें देनी चाहिए और 1 साल के बच्चे ने घर में जो भी बनता है वो खाना चाहिए। अंडे के बारे में बोलना है तो अंडे का जो पीला भाग रहता है वो 9 महीने के बाद शुरू कर सकते हैं और सफ़ेद भाग 1 साल के बाद शुरू कर सकते हैं। और नॉनवेज बच्चे को 1 साल के बाद दे सकते हैं। 1 साल के बच्चे ने माँ जितना खाती है उसका आधा खाना चाहिए और 2 साल के बच्चे ने पिताजी जितना खाते हैं उसका आधा आहार लेना चाहिए। आहार ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आहार में दालें हैं, अनाज है, फल है, हरी सब्जी है, मोड़ाए हुए कड़धान्य है, देसी घी है, काला गुड़ है, एग्स है, फिश है, चिकन है, इनका समावेश होना अत्यंत जरूरी है। तो हम जो आहार है उसके क्या क्या पार्ट्स रहते हैं उसकी हम जानकारी अभी लेंगे। तो जो डाइट रहता है उनमें 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स बोलते हैं, और 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उसको विटामिन एंड मिनरल्स बोलते हैं। अब ये प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं? तो प्रोटीन हमको अनाज, दालें, सोयाबीन, चिकन, मटन, फिश से मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलते हैं? वो भी दालें, अनाज, फल, हरी सब्जी, पोटैटोज इससे मिलते हैं। फैट, तूप, तेल, चीज, बटर इससे मिलते हैं। अभी विटामिन की हम चर्चा करेंगे। तो विटामिन ए हमको कैरेट है, पपाया है, फ्रूट्स है, हरी सब्जी है, फिश है, मटन है, चिकन से मिलते हैं। विटामिन बी हमको हरी सब्जी, फल, दालें है, अनाज है, मटन, चिकन और फिश से मिलते हैं। विटामिन डी हमको चीज, बटर, दूध, फिश, मटन, चिकन उससे मिलते हैं। और यदि सुबह हम धूप में खड़े रहे 20 मिनट तक खड़े रहे तो हमारी स्किन में विटामिन डी तैयार हो सकता है। विटामिन सी हमको संतरी, मौसम्बी और नींबू से मिल सकता है। मिनरल्स में कैल्शियम हमको दूध से बनाए हुए चीजें, सोयाबीन, नाचनी से मिलते हैं। और आयरन हमको सफरचंद, जिसको हम एप्पल बोलते हैं, पालक, काला खजूर, हरी सब्जी, मटन, चिकन से मिलते हैं। तो दोस्तों छोटे बच्चों के आहार में ये सभी चीज़ें जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एडिक्वेट मात्रा में होने बहुत जरूरी है। अभी बच्चों को कौन सी चीज़ें नहीं देनी चाहिए? तो बच्चों को जंक फूड, पैकेज फूड जैसे कुरकुरे, चिप्स है, चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्ज़ा है, आइसक्रीम है, ये जो बाहर बनी हुई चीज़ें हैं, पैकेज फूड है, ये नहीं देनी चाहिए। तो ये बाहर की चीज़ें क्यों नहीं देनी चाहिए? तो दोस्तों ये जो पैकेज फूड रहते हैं, जंक फूड रहते हैं, ये कैसे बनाते हैं? ये जो अनाज है, ये दालें हैं, उनमें से वो फाइबर निकाल लेते हैं, फैट निकाल लेते हैं, विटामिन निकाल लेते हैं, जिससे जो अन्न है वो खराब ना होए। और ये अन्न ज़्यादा देर तक टिके इसलिए उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, अच्छे से दिखे इसलिए उसमें कलरिंग एजेंट डालते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये जो जंक फूड है, ये कोल्ड ड्रिंक्स है, उसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट एंड शुगर की यूज़ होता है। ये जो जंक फूड है उसमें शुगर और सॉल्ट ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो जाते हैं और उससे छोटे बच्चों में ओबेसिटी, डायबिटीज़ वो दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रही है। आप सभी जानते हैं कि चॉकलेट से बच्चों के जो डेंटल हेल्थ है वो बिगड़ जाती है, दांतों में किड़न होती है। तो इसलिए बाहर की चीज़ें, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स बच्चों को नहीं देना चाहिए। अभी खाना पकाते समय कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? तो माँ ने खाना पकाने के पहले हाथ साबुन से अच्छे धोने चाहिए। जो गर्म खाना है वो प्लास्टिक कंटेनर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक ये कैंसर पैदा कर सकता है। बॉटल फीडिंग बच्चों को कभी नहीं देना चाहिए। बॉटल फीडिंग से बच्चा बार बार बीमार होता है, उसको बार बार दस्त हो सकता है, तो इसलिए बॉटल फीडिंग बच्चों को कभी नहीं देना चाहिए। कुछ भी देना है तो वाटी चम्मच से या ग्लास से आप दे सकते हैं। हरी सब्जी या फल है उसको अच्छे से साफ करना चाहिए, बहते हुए पानी में साफ करना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड रहते हैं, वो हमारे शरीर में जाके हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी दोस्तों छोटे बच्चे के खाने के बारे में माताएं हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स करती रहती है और सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लेंट रहती है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे का जो ग्रोथ रहता है, जो ग्रोथ रेट रहता है, वो वजन बढ़ने की जो गति रहती है वो नेचुरली कम हो जाती है। इसलिए नेचुरली बच्चों की भूख कम हो जाती है, उसको फिजियोलॉजिकल एनोरेक्सिया बोलते हैं। यदि आपका बच्चा से जो खेल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है तो आपको चिंता करने की कुछ भी जरूरत नहीं। इस समय में बच्चा जितना भी खाता है उसमें ज्यादा से ज्यादा कैलोरी मिले, यानी कैलोरी डेंस डाइट उसको मिले, इसका ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए हमको देसी घी है, काला गुड़ है, उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मूंग दाल की खिचड़ी में घी डाल के देना, काले गुड़ के लापसी में घी डाल के देना, तो ऐसे दिया तो कम खाने में हम ज्यादा कैलोरी दे सकते हैं। दूसरा जो कारण है कि बच्चे घर का खाना नहीं खाते, तो उसका इम्पोर्टेंट कारण है कि बच्चे बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते, बिस्किट खा लिया, कुरकुरे खा लिया, जंक फूड खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, चॉकलेट खा लिया।
तो ये क्या है, कैलोरी डेंस फूड है लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स तो रहते ही नहीं। तो बच्चे खाना खा लेते हैं, उनका भूख मिट जाता है, फिर घर का नहीं खाते। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि उसने घर का खाना खाए तो बाहर की चीजें उसको नहीं देना चाहिए। और छोटे बच्चों को उसने खाना खाए इसलिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज का यूज करना चाहिए। जैसे बच्चे दूसरे बच्चों के खाना साथ खाना खाना पसंद करते हैं, तो वैसा छोटे बच्चों का खाने का जो पंगत बोलते हैं उसका ऑर्गेनाइज करना चाहिए। बच्चे कुछ स्पेशल टाइप के प्लेट में खाना पसंद करते हैं, तो ऐसी डिजाइनर प्लेटें जैसे उसमें कुछ छोटा भीम का कुछ फोटो है, तो ऐसे प्लेट्स में बच्चे खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज आपको ढूंढ के निकलना चाहिए कि जिससे बच्चे अच्छे से खाना खाए। अभी गाय के दूध में बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि गाय का दूध यदि बच्चा टॉलरेट करता है, उसको उससे दस्त नहीं होता, तो गाय का दूध दिन में 1 से 2 ग्लास दे सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे सिर्फ गाय का ही दूध पीते हैं, ऊपर का कुछ खाते नहीं। तो ऐसे बच्चों का शरीर बढ़ता नहीं, उनमें खून की मात्राएं कम होती है। तो इसलिए गाय का दूध 1 से 2 ग्लास तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और गाय का दूध वाटी चम्मच से ही देना चाहिए, बॉटल से नहीं देना चाहिए। दोस्तों, यदि बच्चों को अच्छे से हम खाना ना दें या जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो देर से शुरू करें, तो बच्चा मालनरिश्ट यानी कुपोषित हो सकता है। तो कुपोषित बच्चों के क्या लक्षण रहते हैं? तो कुपोषित बच्चों का वजन अपने उम्र अनुसार बढ़ता नहीं। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली छोटे बच्चे का वजन 5 महीने में अपने जन्म के वजन का 2 टाइम होता है, 1 साल में 3 टाइम्स होता है और 2 साल में 4 टाइम्स होता है। यदि इस गति से उसका वजन नहीं बढ़ रहा है तो वो मालनरिश्ट होने के ज्यादा चांसेस है। मालनरिश्ट बच्चों के बाल सफेद होते हैं या लाइट कलर के होते हैं, उनका जो स्किन है या उनकी टंग है वो सफेद होती है। ये एनीमिया यानी खून कमी होने के लक्षण है और उनकी त्वचा ड्राई और लूज हो पड़ती है। ऐसे बच्चे कम खेलते हैं और सुस्त पड़े रहते हैं। तो यदि ये रहा तो समझ लेने का उसको मालनरिशमेंट होने के ज्यादा चांसेस है। कुछ मालनरिशमेंट जिनको हम क्वाशरकर बोलते हैं, ऐसे मालनरिशमेंट में शरीर को सूजन आ जाती है। दोस्तों, जो बच्चे कुपोषित रहते हैं उनकी प्रतिकार शक्ति कम रहती है। उनकी प्रतिकार शक्ति कम होती है तो उनको इन्फेक्शन ज्यादा मात्रा में हो सकता है और इन्फेक्शन हुआ तो बच्चा कुपोषित होता है और ये जो विशेष साइकिल चलता रहता है उससे बच्चा बार बार बीमार होता है, बार बार कुपोषित होता है और फिर बच्चे की मृत्यु हो सकती है। जो बच्चे ज्यादा कुपोषित होते हैं जिनको हम सैम बोलते हैं, सीवियर एक्यूट मालनरिशमेंट, ऐसे बच्चों को हम एडमिट करते हैं, उनको हम नाप के उनको हम डाइट देते हैं, उनको तरह तरह के विटामिन मिनरल्स देते हैं, बीमार रहा तो एंटीबायोटिक देते हैं या खाना नहीं खा रहा है तो आयो फ्लूड्स देते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुपोषित न हो तो उसको अच्छे से बैलेंस्ड आहार देना जरूरी है। आजकल अलग टाइप के कुपोषण का मात्रा हमारे सोसाइटी में बढ़ रही है और उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी, मोटापा। तो ओबेसिटी का जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है जंक फूड खाना, पैकेज फूड खाना, ज़्यादा स्वीट खाना, ज़्यादा शुगर खाना, ज़्यादा चॉकलेट खाना, ज़्यादा आइसक्रीम खाना। तो ये चीज़ें हमको हमारे बच्चों से दूर रखना चाहिए। अभी स्वच्छता और कुपोषण का क्या रिलेशन है? यदि हम खाना पकाते समय, खाना स्टोर करते समय या खाना खाते समय हम हाइजीन का ख्याल न रखें तो बच्चा बार बार बीमार हो सकता है, बच्चे को बार बार दस्त हो सकता है, उसको टाइफॉइड हो सकता है, फुफीलिया हो सकता है। और यदि बच्चा बार बार बीमार पड़े तो वो कुपोषित हो सकता है और कुपोषित बच्चा हमने देखा है कि वो बार बार बीमार पड़ता है और वो विशेष साइकिल चलता रहता है। इसलिए खाना पकाते समय या खाना खाते समय हाइजीन स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। माँ ने खाने के पहले हाथ साफ रखना चाहिए, बच्चे ने खाने के पहले हाथ साबुन से धोने चाहिए, पानी उबाल के ठंडा करके पीना चाहिए, खाना अच्छे साफ सुथरे बर्तन में परोसना चाहिए, उसमें स्टोर करना चाहिए और छोटे बच्चों को बॉटल फीडिंग नहीं देना चाहिए। तो मित्रों, इस लेक्चर में मैंने आपसे बच्चे के आहार के बारे में चर्चा की। तो मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि जन्म से लेकर 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद बच्चों को माँ के दूध के साथ ऊपर का आहार शुरू करना चाहिए, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। पहले पतली चीजें और फिर थोड़ी गाढ़ी चीजें, ऐसा देखिए 1 साल तक बच्चे ने घर में बनाए हुए सब चीजें खाना चाहिए। बच्चे के आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एडिक्वेट मात्रा में होनी चाहिए, जिसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। यदि बच्चों को अच्छे से हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू ना करें, अच्छे से बैलेंस डाइट ना दें तो बच्चा कुपोषित हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा हेल्दी रहे, कुपोषित न रहे, तो उसको बैलेंस डाइट देना बहुत ही जरूरी है, जिसमें अनाज है, दालें हैं, हरी सब्जी है, फल है, मोड़ाए हुए कडधान्य है, देसी घी है, यदि नॉनवेज खाते हैं तो एग्स है, चिकन है, फिश है, तो ये सब चीजें दे सकते हैं।
तो मित्रों, मेरा लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, इंटेलिजेंट रहे, तो मैं ऐसे वीडियो बार बार पोस्ट करने वाला हूँ। बच्चों के हेल्थ के बारे में अलग अलग पहलू पे प्रकाश डालने वाला हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आप ये आपका लेक्चर मिस ना हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आपका दिन शुभ जाए। धन्यवाद।